आज कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो मुझे न जानता हो। सभी के दिलों पर मेरा ही साम्राज्य है। मैं धीमा असर करने वाला मीठा जहर हूं। यह मूर्ख मानव मेरा सेवन कर मृत्यु को गले लगा लेता है। मैंने ही परिस्थान को कब्रिस्तान बना दिया है। सारे अस्पताल मेरे ही बदौलत मरीजों से भरे पड़े हैं। मैंने इंसान को हैवान बना दिया है। चारों ओर मेरा ही बोलबाला है। कमजोर मानव को अपने वश में करके तू घबरा रहा है। तेरे राज्य का अब अंत आ चुका है। तेरे पापों की अब अति हो चुकी है। अति के बाद अब तेरा अंत निश्चित है। अरे नादान बालिके, तू नहीं जानती लोग मुझे जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। मेरे न मिलने पर वो बेचैन हो जाते हैं। पान, शराब, तंबाकू, सिगरेट, ड्रग्स, ये सब मेरे ही साथी हैं। मेरे साथियों, बता दो उसे हमारा राज्य कैसे चल रहा है। मैं हूं तंबाकू, कर देता सबके दिल को बेकाबू। मैं ही सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हूँ, समझा क्या? मुझे हर गली हर नुक्कड़ पर बड़े ही सस्ते दामों में कोई भी हासिल कर सकता है बड़ी आसानी से। इसलिए तो छोटे बच्चे भी मेरे चंगुल में फंस गए। ये दादा और सुनना, मैंने सभी गालों को गला कर जबड़ों को ऐसा चीर कर रख दिया है जो मानव अपने मुख में अन्न खाने वाला भी नहीं डाल पाते। जानते हो क्या सभी, मुझसे होने वाली मृत्यु की संख्या के कारण आज सारे विश्व में भारत का नाम तीसरे स्थान पर है। जवानों के चेहरे की रौनक बुढ़ापे को अंदर दी मैंने। तेरे मन की आमद है ना फिर। दिखने में तो हरा फूकने में हो जाता हूँ लाल। आज सारे भारत में ऐसा कोई कोना नहीं मिलेगा जहाँ मेरी पिचकारी का रंग न बना हो। प्लेटफार्म हो या सड़क, ऑफिस हो या बड़ा बड़ा टावर, सभी मेरे मन में मांगे हुए हैं। मेरी उपस्थिति के बिना मंगल कार्य का भोजन भी अधूरा रह जाता है। मैंने सभी के मोती से चमकने वाले दांतों को खून जैसे लाल करके मसूरों को सड़ा कर पूरी तरह से रख दिया है।
मैं हूँ ड्रग्स, कर देता हूँ इंसानों को बेबस। हीरोइन ब्राउन शुगर, ये मेरे ही नाम है। कोई भी स्कूल कॉलेज मुझसे अछूता नहीं है। मैं सभी जगह गुप्त रूप में व्याप्त हूँ। इंसान मुझे पाकर भी तड़पता है और न पाने पर भी तड़पता है। मुझे प्राप्त करने अच्छे अच्छे इंसान चोरी लूटमार करने से भी नहीं हिचकिचाते। मैं ही हूँ जिसने कई करोड़पति विद्वानों को रोडपति मोटमति बना दिया है। मैं हूँ सी सी सिगरेट, दिखा देता हूँ मौत का गीत। डेढ़ इंच की जबान आज हमारी गुलाम है। आज के इस फैशन के युग में युवा युवतियां नायक नायिकाएं मेरा ही इस्तेमाल करना अपनी शान समझते हैं। हुक्का बीड़ी सिगार ये सब मेरे ही नाम है। मैंने सभी के फेफड़ों को काला कोयला और नाक को फैक्ट्री के चिमनी बना दी है। टीबी गले का कैंसर फेफड़ों का कैंसर ये सब मेरे कारण ही दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि करते जा रहे हैं। सुन लिया तूने? मैं सर्वज्ञ हूँ, मुझे विजय का वरदान प्राप्त है। चाहकर भी मुझसे कोई नहीं छूट सकता। हे दूत, ये तेरा भ्रम है। तू नहीं जानता सर्वशक्तिमान पतित पावन हम सभी के प्रभु पिता, जिसे कोई अल्लाह तो कोई ईश्वर या गॉड नाम से पुकारते हैं। वे स्वयं इस धरती पर अवतरित होकर अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ की रचना कर चुके हैं, जिसमें साधारण नर नारी अपने आसुरी वृत्तियों की आहुति देकर राजयोग के अभ्यास द्वारा पुनः श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के राज्य में चलने के योग्य बन रहे हैं। हे व्यसनराज, अब सावधान, ईश्वरीय शक्ति के आगे तेरी सारी शक्तियां खत्म होने वाली है। अब तेरा अंत निश्चित है, निश्चित है।
इस दे टीम मेंबर्स दा मैं अपने वालों अपने बहुत ही सत्कारित अध्यापकों वालों ते अपनी विद्यार्थियों अपने बच्चों वालों इन्हां दा तहे दिल धन्नवादी हां, क्योंकि असी भी नशे दे उपर लैक्चर दिंदे हां, पर एक प्रैक्टिकली एक नाटक दे रूप दे विच साडे बच्चों नूं नशे तो दूर रहने की सलाह, नशे के माड़े प्रभाव बारे दसिया। मैं पहला दसा कि श्री संजीव पुरी जी अपने मिसी नाल इस स्कूल आए थे, मैं उन्होंने फोन नंबर नोट कर लिया सी। फिर कुछ रुझान करके समा नहीं दे सके, पर मैं भी मानता कि परमात्मा जो करता है ठीक करता है। अज मौसम भी ठीक है, वक्त भी ठीक है, साढ़े को समा भी था, अद्धा घंटा उन्होंने मंगया सी, लगभग 30 मिनट के बीच ये प्रोग्राम खत्म होया। मैं सर थोड़ा सारिया का अपने तह दिली बहुत बहुत धन्यवादी। धन्यवाद। सर पूरी दफ्तर क्या जी ऑफिस ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੋ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈਗਾ। इस नशे की लत ने कैसा जे हाल कर दिया, इस नशे की लत ने कैसा जे हाल कर दिया, कितनों की जिंदगियां बर्बाद कर दिया। बिखेर दिए हंसते परिवारों को, खुशियों को हमारी गिरफ्त से आज़ाद कर दिया। इस नशे की लत ने कैसा जे हाल कर दिया, माता पिता से दूर बच्चों का प्यार कर दिया, जन्मदाताओं के एहसानों का संहार कर दिया। इस नशे की लत ने ये कैसा हाल कर दिया, खुशियां छीन कर इस जिंदगी की गमों के नाम कर दिया। इस नशे की लत ने ये कैसा हाल कर दिया, प्यार भरे सपने गिन गिन सजाए थे जिसने, प्यार भरे सपने गिन गिन सजाए थे जिसने, पत्नी की प्यारी उम्मीदों को तार तार कर दिया। इस नशे की लत ने ये कैसा हाल कर दिया, कांच की तरह टूट कर चकना चूर हो गए अरमान, कांच की तरह टूट कर चकना चूर हो गए अरमान। इस नशे की लत ने कैसा जे हाल कर दिया, मुसीबतों में जो पड़ोसी काम आते थे उनसे भी रिश्ते
खराब कर दिया, उनसे भी रिश्ते खराब कर दिया। हंसते रहते हैं सब किस्मत पे हमारी, हंसते रहते हैं सब किस्मत पे हमारी, इस नशे की लत ने क्या हाल कर दिया। प्यार की मोहब्बत की दौलत तो पा ना सके, किस्मत ने गजब का कमाल कर दिया। हमेशा गीली रहने वाली आंखें पत्थर की सी हो गई, इस नशे की लत ने कैसा हाल कर दिया। ओम शांति जी, ओम शांति। मैं छोटी सी मेडिटेशन करवाऊंगी आपको, 2 मिनट की, एक एक्सपीरियंस करते हैं, छोटा सा सैंपल देखते हैं, बाकी आप सेंटर पे आके सीख सकते हो, ठीक है? सब सीधे होके बैठ जाएं। बाहर की सभी बातों से ध्यान हटाते हुए अपना ध्यान मस्तक के बीच केंद्रित करें। मैं एक ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। मैं मस्तक के बीच एक चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं मुख द्वारा बोलने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, आंखों द्वारा देखने वाली एक चैतन्य शक्ति हूँ। मुझ आत्मा को ये शरीर सृष्टि रंग मंच पर पार्ट प्ले करने के लिए मिला हुआ है। मैं आत्मा आज अपने परम प्रिय परम पिता परमात्मा पॉइंट ऑफ लाइट को अत्यंत स्नेह से याद कर रही हूँ और उसका बड़े प्यार से आवाहन कर रही हूँ। मुझ आत्मा के पिता परम प्रिय परम पिता परमात्मा ज्ञान के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, सुख शांति के सागर हैं, पवित्रता के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, सर्वशक्तिवान हैं। मैं आत्मा उनकी संतान उनके साथ नाता जोड़कर उनसे समस्त ज्ञान गुण शक्तियां अपने अंदर धारण कर रही हूँ। विजुलाइज करें परमात्मा से निकलकर ज्ञान गुण शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा में समाती जा रही हैं। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप सुख स्वरूप शांत स्वरूप पवित्र स्वरूप आनंद स्वरूप शक्ति स्वरूप बनती जा रही हूँ। परमात्मा से शक्तियाँ लेकर मैं आत्मा अपने मन में छिपी सभी कमी कमजोरियों को समाप्त करती जा रही हूँ। धीरे धीरे अपने विकारों पर विजय प्राप्त करते हुए
सर्वगुण संपन्न बनती जा रही हूँ। इन सब ज्ञान गुण शक्तियों से भरपूर करने के लिए मैं दिल से परमात्मा का शुक्रिया अदा करती हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति जी, सानू पूरा विश्वास है जी कि तुहानू यह